जी इधर जी सर क्या पूरा मामला हुआ? ये रात को एक्सीडेंट हुआ था, हमारा भाई है, हम इनको पूछ रहे हैं कि FIR नंबर दिखाओ, हमें एक्ट नंबर दिखाओ, क्या कौन कौन से एक्ट लगे हुए हैं, हमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं अभी तक। ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? ये पाँच तिथि में। पाँच तिथि में जी। आपकी क्या लगती थी इनका? ये मेरे चाचा के लड़के थे। चाचा के लड़के थे। क्या नाम था इनका? तिलकराज। तिलकराज। कितनी आयु थी इनकी? 25-26 साल थे। 25-26 साल। एक्सीडेंट मतलब बाइक पे थे या किस पे थे? ये बाइक पे थे। आपको कब पता चला कि इनका एक्सीडेंट हुआ? हमें रात को पता चला। तो रात को पता चला। अभी पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? हम इनको ये जानना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं एक्ट नंबर दिखाओ, FIR नंबर बताओ, हमें पता चले कौन है कौन नहीं, कौन से आ रहे हैं। कुछ कुछ नहीं बता रहे हैं। आपके सामने पूछा हमने, कुछ बताया एक्सीडेंट का कारण कुछ पता चला हो? कुछ नहीं पता चला। कितने लोग थे बाइक पे? अकेले थे। अकेले थे। कहाँ के रहने वाले थे? नगरोटा जट्टी। काफी दुखद भरी खबर इस समय की आपको जम्मू के GMC मॉर्चरी के बाहर से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बता दें कि कल रात के वक्त जो है वो पंचतीर्थी इलाके में एक बहुत ही बड़ा डेंजरस एक्सीडेंट देखने को मिलता है। ये एक्सीडेंट किसके बीच हुआ सर? मोटरसाइकिल और स्कूटी के बीच। स्कूटी की टक्कर हुई है। तो दूसरा जो स्कूटी वाला है वो सेफ है? उसका पता नहीं, हम पूछ रहे हैं, बताते हैं, बता नहीं रहे हैं, वो भी नहीं बता रहे। तो देख सकते हैं उनके रिश्तेदार हैं और उनका ये कहना है कि जो इनके रिश्तेदार थे उनको जो है वो कल बाइक पर पंचतीर्थी इलाके की ओर आए थे, लेकिन ऐसे में वहां पर अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उसके चलते जो है वो उनकी स्कूटी और बाइक की एक जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में इनके जो भाई थे उनकी तो उसमें जान चले गई है और अभी फिलहाल उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस अभी ये पूछ रहे हैं कि हमारे भाई का एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है, इसमें गलती किसकी थी और हमें कुछ FIR नंबर वगैरह बताएं या फिर दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने इनके भाई को जो है वो इनकी बाइक को हिट करा है और जिसके नतीजे में इनके भाई की जो है वो जान चले गई है। पुलिस से अपील रहेगी पंचतीर्थी एरिया के जो भी कंसर्निंग पुलिस के अधिकारी हैं कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए और डेथ का क्या कुछ कारण है, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, ये परिवार को बताया जाए ताकि जो इस तरह से लगातार पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इन्हें कोई भी वजह नहीं बता पा रही है अब तक कि कौन सी FIR लगाई है, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और एक्सीडेंट जो है वो किस तरह से हुआ। हालांकि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि स्कूटी और उसकी टक्कर हुई, लेकिन स्कूटी वाला कौन था और किस तरह से उसने हिट करा है, कोई रॉन्ग साइड था या कैसे था, उसके बारे में कोई भी नहीं बात नहीं बताई जा रही है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दे दीजिएगा। ओम शांति जरूर लिखेंगे। अपने प्रश्न अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।